हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, आत्मश्रद्धा या प्रभाव। आत्मश्रद्धा, आत्म यानी सेल्फ, श्रद्धा यानी कॉन्फिडेंस, प्रभाव यानी इफेक्ट। इट मीन्स इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, जिसमें अभी जब महाभारत स्टार्ट हुआ था तो उन स्टार्टिंग के एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि जब कौरव और पांडवों को उनके गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोण जब आर्चरी सिखाते हैं, धनुर्विद्या सिखाते हैं, तो एकलव्य भी उनसे धनुर्विद्या सीखना चाहता है, लेकिन गुरु द्रोण उन्हें इनकार कर देते हैं, मना बोल देते हैं कि मैं सिर्फ कौरव और पांडवों को ही अपनी धनुर्विद्या सिखाऊंगा। लेकिन एकलव्य की जो श्रद्धा थी गुरु के प्रति, वो कभी भी कम नहीं हुई थी। तो इसी चैप्टर को, इसी स्टोरी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एकह बालक आसित, एकह यानी एक, बालक यानी बालक, आसित यानी था, एक बालक था। वंस देयर वॉज अ बॉय, तस्य नाम एकलव्य आसित। तस्य मीन्स उस बालक का, उसका नाम एकलव्य, एकलव्य था। हिज नेम वॉज एकलव्य। स धनुर्विद्याम पठितुम इच्छति स्म। सह यानी वह, वह कौन, एकलव्य, धनुर्विद्याम यानी आर्चरी, पठितुम यानी सीखना, लर्न करना, इच्छति स्म यानी चाहता था। यहाँ पे स्म लगाए, इट मीन्स था, चाहता था। इच्छति यानी चाहता है, और इच्छति स्म यानी चाहता था। तो जब भी हम कोई स्टोरी फॉर्म कर रहे होते हैं तो हम पास्ट टेंस में करते हैं, इसलिए यहाँ पर दिया है इच्छति स्म। ओके, सो ही विश टू लर्न आर्चरी। एकदा, एक बार, सह वह द्रोणाचार्य से समीपम, द्रोणाचार्य के पास में, अगच्छत गया, अवदच्च और बोला। एक दिन वह द्रोणाचार्य के पास में गया और बोला, ठीक है। अवदत का मतलब होता है बोला। वंस ही वेंट टू नियर द्रोणाचार्य एंड सेड, गुरुदेव, गुरुजी, अहम अपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि। अहम अपि यानी मैं भी, अहम का मतलब होता है मैं, अपि यानी भी, धनुर्धर यानी धनुर्धर होना, आर्चर, भवितुम इच्छामि यानी होना चाहता हूँ, भवितुम यानी होना, इच्छामि यानी चाहता हूँ, मैं भी एक धनुर्धर होना चाहता हूँ। ओके, आई ऑल्सो विश टू बिकम अ स्किल्ड आर्चर। कृपया माम स्वीकुरु, कृपया यानी प्लीज़, माम यानी मुझे, स्वीकुरु यानी स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। ओके, काइंडली एक्सेप्ट मी। आचार्य प्रत्यवदत, आचार्य ने प्रत्यवदत यानी उत्तर दिया, वदत यानी बोलना, प्रत्यवदत यानी उसकी तरफ बोलना, उसकी तरफ किसकी तरफ, एकलव्य की तरफ, यानी आचार्य ने उत्तर दिया। अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि, मैं कौरवों को और पांडवों को पढ़ाता हूँ। द टीचर रिप्लाइड, आई टीच कौरवास एंड पांडवास। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारम, अहम यानी मैं, भवतः यानी तुम्हें, शिष्य रूपेण यानी शिष्य के रूप में, एज ए स्टूडेंट, स्वीकार न शक्नोमि यानी नहीं कर सकता, आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू एज माई स्टूडेंट। परंतु आचार्यम प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत, लेकिन, परंतु यानी लेकिन, आचार्य के प्रति, टुवर्ड्स टू हिज टीचर, तस्य श्रद्धा, उसकी जो श्रद्धा थी, उसका जो फेथ था, उसका जो कॉन्फिडेंस था, वह शिथिला न अभवत यानी लेस, शिथिल यानी लेस होना, कम होना, तो शिथिल नहीं हुआ यानी कम नहीं हुआ। ओके, बट हिज फेथ टुवर्ड्स हिज गुरु Did not become less. Clear? तो इतना हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे और भी स्टोरी है, इंटरेस्टेड है, जिसको हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।